बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक है। जैसा कि कल हमने SST का यूनिट 1 जियोग्राफी लेसन नंबर 1 अर्थ एंड स्पेस की रीडिंग की थी सारी, ठीक है। आज हम इसके आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके आज हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। आपने अपनी कॉपीज लेनी है, उसके ऊपर हेडिंग देनी है, डेट लगानी है, डे लिखना है, ठीक है। डेट भी लगानी है, डे लिखना है। यूनिट 1 जियोग्राफी लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस, ठीक है। इससे कि हेडिंग बना के साइड में मार्जिन लाइन लगानी है। आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर मैंने कॉपी पे नहीं लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखे, जस्ट आंसर लिखे हुए हैं। आपने क्वेश्चन इधर से देखने हैं, ठीक है, बुक में से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस, हम खला में क्या चीज़ पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा, वी फाइंड मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, समझ आ गई आप लोगों को। वी फाइंड मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस, हम खला में लाखों की तादाद में सितारे और सियारे पाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, व्हाट इज़ द अर्थ कॉल्ड, ज़मीन को क्या कहते हैं, ज़मीन क्या है। आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, ज़मीन एक सियारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सन मेड अप, सन मीन सूरज किस चीज़ से बना हुआ है, सूरज किस चीज़ का बना हुआ है। इट्स आंसर इज़, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज, सन इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस, सूरज बहुत गर्म गैसों का बना हुआ है, गैसेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। आप लोगों आंसर लिख रहे होंगे तो इस जगह पे आपने पॉज करके वीडियो को तो अपने आंसर कॉपी पे नोट डाउन करने, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्थ सराउंडेड बाय, जो ज़मीन है वो किस चीज़ से घिरी हुई है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन है वो आबो हवा से भरी हुई है, मतलब उसके इर्द गिर्द आबो हवा है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डज़ द अर्थ स्टे इन वन प्लेस, क्या ज़मीन एक जगह पे रुकी हुई होती है। इसका आंसर है नो, द अर्थ डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, जो ज़मीन है वो एक जगह पे नहीं रुकी हुई बल्कि वो हरकत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दें, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, कॉपीज पे भी करने हैं। नेक्स्ट पेज आ जाएं, पेज नंबर 3, आपने ये दिए हुए हैं, इसको हल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग द सन, ज़मीन का वो हिस्सा जब वो सूरज की तरफ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, दिन होती है, रात होती है। जब ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे उस वक्त दिन होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डे टाइम या डे लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्लैनेट वेयर वी लिव, हम कौन से सियारे पे रहते हैं, हम कौन से सियारे पे रहते हैं। इसका आंसर है अर्थ, ERTH, अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो कुदरती सेटेलाइट है वो कौन सी है। हमने अभी लेसन में पढ़ा था कौन सी है, मून, MOON, मून, मून मीन चांद, जो चांद है वो कुदरती सेटेलाइट है, समझ आ रही है। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज से हट जाता है वहाँ पे उस वक्त क्या हो रहा होता है। एक तो जब सूरज के सामने होता है उस वक्त वहाँ पे दिन होता है, तो जब वो हिस्सा हट जाता है तो वहाँ पे उस वक्त रात होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइट, नाइट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन, कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमने में कितना टाइम लगाती है, ज़मीन को सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करने में 365 days, मतलब 1 year रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक साल लगता है पूरा ज़मीन को अपना चक्कर पूरा करने में सूरज के गिर्द, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है।
नेक्स्ट है उन्होंने बोला हुआ है कि इनके वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपने, डिक्शनरी में से निकालने हैं एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन। फर्स्ट है प्लैनेट। जैसा कि आपको पता है प्लैनेट जमीन, द अर्थ इज अ प्लैनेट। प्लैनेट उस चीज़ को कहते हैं जो घूमने वाली चीज़ होती है, जो फिक्स नहीं होती। आपने इसका आंसर क्या लिखना है, अ सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट, जो एक ऑर्बिट में या अपने महवर पे गर्दिश कर रही हो उस सैटेलाइट को प्लैनेट कहते हैं। सॉलिड मीन सख्त चीज़ या फर्म, सख्त। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का अक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कास्टिंग बैक, वापस धकेलना या वापस भेजना, ठीक है। सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेंट्रल बॉडी, एक ऐसी चीज़ जो एक सेंट्रल बॉडी के गिर्द घूम रही हो उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई है, आज आपका SST का यही था। आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे ये आंसर क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। आज के लिए आपका यही काम है और इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है आपने एक बार, ठीक है। रिवाइज करके आंसर क्वेश्चन कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं और ये जो ब्लैंक्स हैं ये बुक के ऊपर ही आपने फिल करनी है, ठीक है। आज के लिए आपका यही काम है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।